13 अप्रैल 1919 को ब्रिटिश सेना द्वारा बैसाखी के दिन पंजाब के जालियांवाला बाग में ब्रिटिश ब्रिगेडियर जनरल डायर के द्वारा किए गए निहत्ते मासूमों की हत्या भारतीय इतिहास का एक काला अध्याय है, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे। अमृतसर के जालियांवाला बाग में जमा हुए निहत्ते लोगों के घेर कर चारों तरफ से गोलियां चलाई गई थी, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई थी। किसी की आंख में गोली लगी तो किसी की अतरियां बाहर आ गई थी। इस घटना में ब्रिगेडियर जनरल डायर के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने महिलाओं और बच्चों सहित हजारों निहत्थे निर्दोष भारतीयों पर गोलियां चलाई, जो ब्रिटिश सरकार का दमनकारी रॉलेट एक्ट का शांतिपूर्वक तरीके से विरोध कर रहे थे। शुरू में तो ब्रिटिश सरकार ने इतने बड़े हत्याकांड का कोई संज्ञान ही नहीं लिया, लेकिन जब खबरें फैलना शुरू हुई तो उन्होंने इसके जाँच के लिए हंटर कमेटी का गठन किया। जनरल डायर को उसके पद से हटा दिया गया था, लेकिन इतने बड़े जघन्य अपराध के बावजूद भी वो कई लोगों का हीरो बन गया था। कुछ लोगों ने तो जनरल डायर के लिए एक फंड जमा करना शुरू किया और उसके लिए 26,000 पाउंड जमा भी किए गए थे। बाद में जब 1927 में उसकी मृत्यु हुई तो उसे सैनिक सम्मान के साथ दफनाया गया। कहा जाता है कि इस जघन्य नरसंहार के बाद वह एक रात भी चैन से नहीं सो पाया। उसका स्वास्थ्य लगातार खराब होता गया, उनसे लकवा मार दिया और वह मरते दम तक ठीक न हो पाया। 23 जुलाई 1927 को ब्रिस्टल में उसकी मौत हो गई। अपने जीवन के अंतिम दिनों में उसने जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में बोला था कि कुछ कहते हैं कि मैंने अच्छा किया तो कुछ कहते हैं मैंने बहुत बुरा किया, लेकिन मैं मरना चाहता हूं ताकि मैं अपने ईश्वर से जाकर पूछ सकूं कि मैंने अच्छा किया या बुरा।